मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव और एएनसी में विवाद है। कंसल्टेंट कंपनी को करोड़ों का फायदा पहुंचाने को लेकर यह विवाद देखने को मिल रहा है। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी इंफा प्राइवेट लिमिटेड पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर है। कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश का भी पालन नहीं किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव और एनसी ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो देखिए कम रेट पर काम करने का कंपनी ने टेंडर लिया था। फिर बाद में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने 2.5 करोड़ से ज्यादा का कंपनी को भुगतान किया। भोपाल जबलपुर और ग्वालियर की सड़कों के निर्माण में कंसल्टेंट कंपनी को डीपीआर प्रोजेक्ट दिया गया था, निगरानी का काम दिया गया था। और देखिए अब मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव और एनसी में विवाद की स्थिति बन गई है। कंसल्टेंट कंपनी को करोड़ों का फायदा पहुंचाने को लेकर ये विवाद है। तो करोड़ों से जुड़ा हुआ ये मामला है। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर भी इस मामले में दर्ज की थी। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता विवेक पांडे का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक बताइएगा विस्तार से आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला और इस मामले में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया। तो सबसे पहले बात समझने की जरूरत है कि आखिर मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव और ईएनसी के बीच में विवाद क्या है। कुछ दिनों पहले ही ईओडब्ल्यू ने ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर की सड़कों के निर्माण के संबंध में गड़बड़ी के चलते ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी। इस पर पीडब्ल्यूडी के 5 अधिकारी और इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के मालिक एलन मालवी के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और गबन के तहत एफआईआर दर्ज की थी। जब पिछले दिनों बैठक चल रही थी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मंत्री राकेश सिंह की, तो उन्होंने कहा कि जब विभाग ने ये मान लिया है कि 2.75 करोड़ से अधिक ज़्यादा भुगतान किया गया है कंपनी को, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यह कहा कि ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद ही इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद ईएनसी ने नोटशीट में यह लिख दिया कि कंपनी को ब्लैकलिस्टेड की कार्रवाई ना किया जाए। तो इस मसले को लेकर यह जो विवाद निकल के सामने आया है कि पीडब्ल्यूडी के मंत्री ने भले ही राकेश सिंह ने आदेश दिए हों, लेकिन अतिरिक्त मुख्य सचिव और ईएनसी ने, दोनों ही अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के आदेश को अलग कर दिया, उनके आदेश का पालन नहीं किया और यही इस विवाद की वजह है। पिछले दिनों जब ईओडब्ल्यू ने जांच की थी तो उन्होंने पाया कि कंपनी, कंसल्टेंट कंपनी ने 8% टेंडर में अमाउंट रखा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कॉस्ट बढ़ने का हवाला देते हुए कंपनी को 12% से 16% से अधिक भुगतान कर दिया। यानी कि 8 करोड़ का टेंडर था, कंपनी को 12 से 15 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने जाँच की और बाकायदा पाया कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कंसल्टेंट कंपनी को फायदा पहुँचा है और यही वजह है कि एलन मालवी कंपनी के जो कंसल्टेंट कंपनी है उसके बकायदा मालिक है एलन मालवी और उसके खिलाफ करीब पीडब्ल्यूडी के 5 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन ईएनसी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ एलन इंफ्रा को भी, एलन मालवी को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ जो मिलीभगत पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने की थी उनके खिलाफ एफआईआर ईओडब्ल्यू ने भले दर्ज की है लेकिन जांच की अनुमति विभाग की तरफ से नहीं दी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एसीएस केसी गुप्ता, उन्होंने जब यह कहा तो उसके बाद ईएनसी ने एक कदम और आगे बढ़ गया और उन्होंने कहा कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड ना किया जाए, इसके बाद इसके साथ ही विभाग की जांच भी ना की जाए। तो यह पूरा मामला आप सवालों के घेरे में है कि आखिर मंत्री की सुनवाई उन्हीं के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और ईएनसी क्यों नहीं कर रहे। बड़ा सवाल है विवेक, और अब देखना होगा कि अगर करोड़ों रुपए को लेकर यह विवाद है और कार्रवाई नहीं की गई है तो अब जांच कब होगी और किस तरह से कार्रवाई की जाएगी।